अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों से 1000 लोग कार्यक्रम से जुड़े और योग किया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में इसका प्रस्ताव रखा था। इसका 177 देशों ने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 193 देश हैं, जिसमें से 177 देशों ने विश्व योग दिवस मनाने का समर्थन भारत के प्रस्ताव पर किया था। कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक ही बूस्टर का काम करे, इसलिए 450 स्थानों पर लाइव होकर और 1650 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। हमें सिखाया है व्यायाम लगते ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है, इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी योगिक क्रिया द्वारा मानसिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से ऐसी ही खबरों के लिए करें SEI24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।